आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर रहेंगे। पूर्वांचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज कई करोड़ों की सौगात कौशाम्बी वासियों को देने जा रहे हैं। कौशाम्बी और आजमगढ़ को करोड़ों की सौगात वो देंगे। सीएम योगी समेत कई मंत्री उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे आज गृह मंत्री अमित शाह और आज यूपी दौरे के दौरान कौशाम्बी जिले में जहां कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ करते नजर आएंगे और खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करते नजर आएंगे। अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। 612 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कौशाम्बी महोत्सव का आज वो आयोजन करने जा रही है, जिसके बाद आजमगढ़ दौरे पर वो जाएंगे, जहां गृहमंत्री अमित शाह हरिहरपुर गांव में सौगात देंगे और आपको बता दें कि संगीत महाविद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद नामदारपुर में जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां करीब 218 करोड़ की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 4349 करोड़ की 53 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देते नजर आएंगे। तो अमित शाह का आज पूर्वांचल दौरा रहने वाला है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम सब कुछ आपको बताते हैं। दोपहर 12 बजे बीएसएफ हेलीकॉप्टर से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंचेंगे। दोपहर 12:35 पर शीतला धाम कौशाम्बी हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 12:45 से 1:25 तक कौशाम्बी में मौजूद रहेंगे। महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम में प्रस्थान करेंगे और दोपहर 3:40 पर इंटर कॉलेज आजमगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 3:55 पर आजमगढ़ के हरिहरपुर पहुंचेंगे। शाम 4 संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। भूमि पूजन विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 5:20 पर हरिहरपुर से प्रस्थान करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज कई सौगातें वो देने जा रहे हैं कौशाम्बी वासियों को। लगभग 612 करोड़ की सौगात वो देंगे। 456 करोड़ की लागत से 94 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने पूर्वांचल को चुना है। पूर्वांचल में कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कौशाम्बी जिस सीट पर अमित शाह सबसे पहले आ रहे हैं वो सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है और ऐसे में दलित वोट को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अमित शाह के द्वारा इस मंच से की जाएगी। फिलहाल आपको यहां की तैयारियां दिखाएं। देखिए अमित शाह के आने को लेकर जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं फिलहाल यहां पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हो उसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंच के सामने की ओर तमाम कुर्सियां लगा दी गई हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। दरअसल अमित शाह का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जो राजमाइश कर रहे हैं, खासकर जातिगत समीकरणों को साधने में लगे हैं, ऐसे में बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और अमित शाह सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड माने जाते हैं और ऐसे में अमित शाह का यह दौरा पूर्वांचल का दिखलाता है कि बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी तैयारी पूरी तरीके से तेज कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, कौशाम्बी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी के बाद आजमगढ़ पहुंचेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह हरिहरपुर गांव में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करते नजर आएंगे, जिसके बाद वो नामदारपुर में जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां करीब 218 करोड़ की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। लगभग 4349 करोड़ की 53 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। गृह मंत्री योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देते नजर आएंगे। तो उनका ये पूर्वांचल दौरा, पहले कौशाम्बी में मौजूदगी और उसके बाद आजमगढ़ पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शीतला धाम कौशाम्बी हेलीपैड वो पहुंचेंगे साथ ही आजमगढ़ जब वो आज पहुंचेंगे तो उसके बाद कई करोड़ की सौगातें देते हुए आजमगढ़ वासियों को नजर आने वाले हैं। क्योंकि
करीब दो घंटे का प्रोग्राम है और यहाँ जो जनसभा स्थल है यहीं पर हेलीपैड भी है और यहाँ से जाकर के हरिहरपुर जाएंगे, वहाँ पर भी उनका छोटा सा प्रोग्राम है, गांव में भ्रमण करेंगे, उसके बाद वो आकर के दोबारा यहाँ आएंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और शिलान्यास करेंगे जो म्यूजिक कॉलेज है उसका। उनकी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है, हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम हरिहरपुर में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और उसके साथ साथ फिर जो सभा स्थल है यहीं पर जल जीवन मिशन के मतलब लगभग 4,200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर 181